वालेकुम गाइस आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूल जो है इसके ऊपर जो पीडीएफ अपलोड करते हैं या जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं उसको लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं कैसे बनाते हैं और आप लोग कैसे बनाएंगे ताकि वो जो है सौ परसेंट एक्सेप्ट करे रिजेक्शन का कोई भी ऑप्शन ना हो कोई भी चांस ना हो तो यहाँ पे मैं कंप्लीट तरीका बताने वाला हूँ यहाँ पे आप लोग देख ले मैंने चौदह डॉक्यूमेंट्स अपलोड की है चौदह के चौदह अप्रूव हो चुके हैं यहाँ पे आप लोग देख ले एक भी जो है रिजेक्ट नहीं हुआ सारे अप्रूव हो चुके हैं तो यहाँ पे कैसे करेंगे आप लोगों ने काम कैसे करना है सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है अपने कैमरे से पिक्चर निकालने हैं आप लोग पीडीएफ बनाते हैं या जिस फाइल की या जिस बुक की आप लोग पी बनाना चाहते हैं उससे सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कैमरे से जो है इस तरह पिक्चर निकालने हैं यहाँ पे आप लोग देख ले लेकिन पिक्चर ऐसे निकाले जो ब्लर ना हो यहाँ पे साफ हो तो पिक्चर निकालने के बाद जिस तरह यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पे मैंने एक एक पी बना रहा हूँ यहाँ पे आप लोग देख ले मैंने ये पिक्चर निकाले हुए हैं पहले से तो पिक्चर निकालने के बाद आप लोगों ने फिर क्या करना है यहाँ पे प्ले स्टोर में जाके एक पीडीएफ मेकर जो है उसको आप लोगों ने डाउनलोड करना है इंस्टॉल करना है आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है इमेज टू पीडीएफ इसको आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो है इसको मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे जो आप लोगों को नज़र आ रहा है और सारे जितनी भी मैंने अप्रूव की है इससे पीडीएफ डी बना के वहाँ पर अपलोड की है तो इसको आप लोगों ने सिंपल जो है काम है आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है इसको ओपन करना है ओपन करेंगे फिर आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे मैं फ़िलहाल डेटा को जो है ऑफ करता हूँ यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट इंटरफेस इसका कुछ इस तरह होगा इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन है आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे कैमरा कैमरा से भी डायरेक्ट ले सकते हैं गैलरी से भी ले सकते हैं लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि गैलरी में पहले आप लोग पिक्चर ले लें उसके बाद जो गैलरी ऑप्शन है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है आप कैमरे में पड़े हुए हैं यहाँ पे मैं कैमरा के ऊपर क्लिक करता हूँ अच्छा एक और पॉइंट नोट करे पिक्चर निकालते वक्त यहाँ पे एक मसला आ रहा है पीडीएफ बनाते वक्त पेज का पता नहीं चलता आप लोगों ने पेज नंबर ज़रूर डालना है ऊपर हेडिंग जो पेज का हेड है वहाँ पे भी डालना है यहाँ पे छोटा सा पेज नंबर दरमियान में डालें ताकि यहाँ पे आप लोग पी बनाते वक्त तो आप लोगों को पता चल सके तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है ये जो है पेज वन है टू है थ्री फोर इस तरह मैं पेज वन पेज वन को पहले सेलेक्ट करता हूँ इसके बाद टू के ऊपर क्लिक करता हूँ थ्री फोर फाइव सिक्स और इस तरह जाते जाते ठीक तो, तो सारे मैंने सेलेक्ट किए इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो डन का ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है अब यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे जो पी का ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने आ, नाम देना है पी को तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ कि जिस टाइटल के साथ आप लोग स्टडी पूल पे अपलोड करना चाहते हैं उस उस टाइटल का नाम यहाँ पे रखें यहाँ पे मैं देता हूँ इस पी को कि प्रेजेंट प्रेजेंट इनडेफिनेट आर सिंपल टेंस। ये नाम दे दिया मैंने अब आप लोगों ने ओके के ऊपर क्लिक करना है ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे पी बन जाएगा ठीक पी बना इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है यहां पे आप लोग के सामने इस तरह ऑप्शन आ जाएगा अब आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे एक काम करना है जो शेयर का ऑप्शन है अगर देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं यहाँ पे आप लोग क्लिक करें एक दफ़ा चेक करें कि मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई अगर गलती हुई है तो फिर आप लोग इसको Uh, सही कर ले मतलब पेज की गलती हुई है या कोई भी गलती हो सकती है तो उसको ठीक करें पहले लेकिन यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है तो आप लोगों ने फिर क्या करना है यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आप लोगों ने क्या करना है सेव टू ड्राइव लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है इसके ऊपर क्लिक, क्लिक, क्लिक करेंगे तो ये आप लोग के जो ड्राइव ऑप्शन है या जो ड्राइव फोल्डर है उसमें सेव हो जाएगा यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करें तो वहाँ पे ये जो है सेव हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों को बता दिया जाएगा मैसेज नज़र आ जा नज़र आ जाएगा ठीक इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे कह रहा है कि वन फाइल सेव तो हम क्या करते हैं अब डेटा जो है ऑन करते हैं डेटा इसके बाद यहाँ पे अपलोडिंग पे आते हैं और यहाँ पे जो स्टडी पूल है उसको हम क्या करते हैं ओपन करते हैं स्टडी पूल ओपन किया इसके बाद आप लोगों ने अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है अब यहाँ पे जो फाइल है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप लोगों को इस तरह ऑप्शन देगा यहाँ पे जिस ईमेल में या जिस ड्राइव में आपने सेव किया है उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है जिस तरह यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे माय ड्राइव पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं उस पीडीएफ को चेक करता हूँ यहाँ पे आप लोग देख ले प्रजेंट इंडेफिनेंट और यहाँ पे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया अब यहाँ पे आप लोगों ने वेट करना है यहाँ पे ये यह ख़ुद आप लोगों को बता दिया जाएगा कि अभी जो है आप लोगों का पी जो है अपलोड हो चुका है यहाँ पे लिखा मैसेज आया कि वन फाइल वक्सेसफुली अपलोडेड तो सिंपल ओके के ऊपर क्लिक करना है अब यहाँ पे ये पेंडिंग में चला गया किस में पेंडिंग में चला गया तो जैसे ही ये अप्रूव करेगा उसके बाद आप लोगों ने इसकी एस यू कैसी करनी है यहाँ पर मैप जो एंड स्क्रीन में आप लोगों को वीडियो नज़र आ रही है इसके ऊपर आप लोग क्लिक करें और एस यू भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे प्रोसेसिंग में दो तीन दिन लग सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक करें तो एक्सेप्ट हो जाएगा इन तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी इनशाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग